मुर्गी जो है वो 300-400 ग्राम की पट्टी है मुर्गी है। जी ये इंशाल्लाह तकरीबन सितंबर में एग स्टार्ट करेगी। फिर ये मुर्गी 1 महीना लेती है अपने एग का साइज बनाते। ठीक है, ठीक है, पहले छोटे छोटे अंडे देगी फिर एग का साइज। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में ये मुर्गी फुल प्रोडक्शन देना शुरू हो जाएगी। इसके जबरदस्त। बाद में जो कोई लेगा ना मुर्गी के 700 ग्राम की 800 ग्राम की जो लेते हैं अक्टूबर में या नवंबर में, वो मुर्गी सर्दियां गुजर जाती हैं फिर जाके अंडा शुरू करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वासिम फैज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। यहाँ पर आपको 4000 गोल्डन मिस्री चूजा जो है वो दिखाया जाएगा। ये कितने दिनों का है, आपको किस तरह से मिल सकता है, तमाम तर मालूम देने के लिए मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मनान भाई। ये इस फार्म के ऑनर हैं, ये आपको बताएंगे कि इनके पास चूजा जो है वो कितने दिनों का है और इन्होंने किस तरह से तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन इस साल का तो पहला ही है, लेकिन 3-4 साल से कर रहे हैं, आपको तो पता ही है। जी जी। अच्छा माशाल्लाह, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है आपका। मुझे ये बताइएगा कि ये चूजे अभी आपके पास कितने हैं और इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 46-47 दिन के हैं। जी जी। ठीक है, और इनका जो एज है वो 46-47 दिन, वेट इनका तकरीबन 400 ग्राम के अराउंड अबाउट है। बताइएगा, लोग पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, आप माशाल्लाह 4 साल से, मैं हर साल तकरीबन हर फ्लॉग में लोगों को दिखाता हूँ, आप 4 साल से इस फील्ड में हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कैसी फील्ड है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें आसम भाई, कोई भी कारोबार है ना उसमें स्टे ऑन बहुत जरूरी है, उसको लगातार करना। अगर बंदा करे, एक दफा करे या दो दफा करे, अगर उसको नुकसान होता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें नुकसान है, खुद में तो कमी होती है जिसकी वजह से नुकसान होता है। इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो क्या वजह, वो प्रॉफिट में जाते हैं और हम न्यू फार्मर नुकसान में जाता है। उसमें बिजनेस में कमी नहीं होती, कमी खुद में होती है कि खुद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैनेजमेंट में कमी हो गई, जिसकी वजह से जो है ना फ्लॉक डिस्टर्ब होता है। ठीक है, लेकिन वो जो भी करता है उसको चाहिए कि इसको स्टे ऑन करे, कोई 1 साल या 2 साल तक करे, फिर उसके बाद समझ आती है कि इसको इसमें क्या वजह थी, मेरी में क्या कमियां थी और इसमें क्या कमी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा मनान भाई, पहले तो जो नाजरीन देख रहे हैं उनको बताएं कि ये जो चूजे हैं उनको मिल सकते हैं, अगर मिल सकते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? ये चूजे मिल जाएंगे जो भी भाई रब्ता करेगा, ठीक है, लेकिन ये होता है कि हम आज की बात कर रहे हैं, अगर 46-47 दिन के चूजे हैं, लोग रब्ता करते हैं 1 माह के बाद भी करते हैं, कोई 7-10 दिन के बाद भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, तो हम नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो भी भाई रब्ता करेगा हम उनसे जरूर तावल करेंगे। यानी कि ये 4000 चूजा आपको मिल सकता है, लेकिन मनान भाई जो है वो अभी रेट जो है वो नहीं बता रहे, क्योंकि एक बंदा आज वीडियो देख रहा है, एक बंदा 10 दिन के बाद वीडियो देखेगा, तो फिर रेट में जो है वो फर्क आ जाता है। जी बिल्कुल, ये 400 ग्राम की एवरेज है, इसमें मुर्गी की एवरेज 400 ग्राम होगी, मुर्गा आधा किलो का भी है, ठीक है, आज इस वेट का रेट कुछ और होगा, 15-20 दिन के बाद वेट इसका अप होगा, रेट इसका अप होगा, और मार्केट में भी उतार चढ़ाव आता रहता है, जिस दिन कोई भाई रब्ता करेगा उसके साथ जरूर तावन करेंगे। मुझे ये बताएं कि कोई बंदा अगर पीसेस के हिसाब से लेना चाहे या फिर वेट के हिसाब से, दोनों तरीकों से मिल जाएंगे या वेट के? हम वेट के हिसाब से देते हैं इसको, पर केजी के हिसाब से, पीसेस के हिसाब से नहीं देते, कोई पीस बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, ठीक है, वो 100-150 ग्राम का फर्क होता है, तो हम पीसेस में नहीं देते, पर केजी में देते हैं, ना उनको फर्क लगे ना हमें लगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, एक बंदा जिसको अपने घर के लिए, जैसे आज ये जो फ्लॉग है ये आने वाली सर्दियों में ये बिल्कुल रेडी होगा, एग्स जो हैं वो देंगे, बिल्कुल रेडी होगा, तो लोग जो है वो अपने घर के लिए 10-20-50 मुर्गियां लेना चाहते हैं या मुर्गे लेना चाहते हैं, तो उनको भी मिल जाएंगे या फिर कोई आपने लिमिट रखी है? हम जो डिलीवर करेंगे ना कहीं पे सियालकोट गुजरात या गुजरांवाला या इधर खारियां झेलम, इसमें ये होगा कि जो कोई 200-300 लेगा वो गाड़ी जाएगी, ठीक है, उसका रेंट पे हो जाएगा। अगर इसमें गाड़ी पूरी कोई लगवाता है 1000 या 2000-1500 तक, उसमें रेंट हमारा होगा, ठीक है, लेकिन जो 100-50-20 लेते हैं वो फार्म पे आके कोई दो भी चूजे गए हम वो उनको चूजे देंगे। यानी कि फार्म पे आके कोई दो चूजे भी लेना चाहे मिल जाएंगे, लेकिन
अगर कोई बंदा ज्यादा लेना चाहता है तो फिर इनके पास गाड़ी की सहूलत भी मौजूद है, आप डिलीवर भी करके दे रहे हैं, लेकिन वो फिर क्वांटिटी में हो तो फिर देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे ना 20 चूजे अगर इधर से सियालकोट देने जाए ये 8 किलो हो जाएंगे, ठीक है 8 किलो बड़ा भी हो तो ये 6-7 हजार के होंगे, 6-7 हजार तो रेंट पड़ जाता है, ठीक है, यानी कि उस तरह से समझ नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने इन चूजों को पाला कैसे है, कौन सी फीड डाल रहे हैं? वैसे तो आपका फार्म जो है वो माशाल्लाह काफी बड़ा है, आप फ्री रेंज भी कर सकते हैं और आपने पौधे भी लगाए हुए हैं, इनको फलदार पौधे भी इनके लिए लगाए हैं, लेकिन अभी तक आपने इनको फीडिंग में क्या दिया? आसम भाई ये डे ओल्ड चूजा मैं लेके आया था, बिल्कुल एक दिन का, ठीक है, उसको फिर हम एक महीना 1.5 महीने तक तो इसको इसी तरह ही कमरे में रखते हैं कि बच्चा होता है ये बाहर के गर्मी या डायरेक्ट सनलाइट को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको पहले तो अब 1.5 महीना हो गया, अब गर्मी की शिद्दत की वजह से हम इसको बाहर नहीं लगा रहे, हमारा बाहर सारा ये फ्री रेंज है, बहुत पौधे लगे हैं, उसके बाद बाग लगा है अमरूदों का, हम उनको अमरूद वगैरह डालते हैं, बाकी भी जो हमसे होता है हम उसको फ्री रेंज बिल्कुल नेचुरल तौर पे इसको फार्म को लेके आते हैं। इस वक्त थोड़ी की गर्मी की शिद्दत की वजह से इसको बाहर नहीं लेके जा रहे, ठीक है, हो सकता है एक दो बारिश हो जाए फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह बाहर। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि डे ओल्ड चूजा लेके आते हैं आप, अभी तक इस सीजन में आपकी मोर्टेलिटी रेशियो क्या रही है? मोर्टेलिटी रेशियो तकरीबन 4000 चिक्स के पीछे कोई 200-250 चिक्स मोर्टेलिटी हुई है इस वक्त तक, ठीक है, यानी कि बिल्कुल मामूली सी कह सकते हैं। ये तो 1000 के पीछे तो 100 चूजा जो होता है ना वो आपका मोर्टेलिटी होती है, ठीक है, आराम से, इससे ज्यादा हो तो फिर हमारी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो है ना 1000 से 100 वो तैयार होने तक इतनी मोर्टेलिटी हो जाती है। यानी कि जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर डे ओल्ड लेंगे तो वो आपकी सर्दियों के लिए रेडी नहीं होंगे, उनमें मोर्टेलिटी भी होने के चांसेस हैं। मुर्गी जो है वो 300-400 ग्राम की पट्टी है मुर्गी है जी, ये इंशाल्लाह तकरीबन सितंबर में एग स्टार्ट करेगी, फिर ये मुर्गी 1 महीना लेती है अपने एग का साइज बनाते, ठीक है, पहले छोटे छोटे अंडे देगी फिर एग का साइज, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में ये मुर्गी फुल प्रोडक्शन देना शुरू हो जाएगी, इसके बाद में जो कोई लेगा ना मुर्गी के 700 ग्राम की 800 ग्राम की जो लेते हैं अक्टूबर में या नवम्बर में, वो मुर्गी सर्दियाँ गुजर जाती है फिर जाके अंडा शुरू करती है। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैंने देखा आपका तजर्बा गर्मियों में भी है सर्दियों में भी है, क्योंकि आप एक फ्लाग गर्मियों में तैयार करते हैं एक फ्लाग आप सर्दियों में तैयार करते हैं, जबकि लोग भागते हैं यार गर्मी में रखे तो गर्मी से मर जाते हैं, सर्दी में रखे तो सर्दी से मर जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इनको पालना किस मौसम में आसान है? देखें आसम भाई इसकी फार्मिंग तो पूरा साल ही होती है, हर बंदा करता है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते इस चीज को। अब ये फ्लाग है ये मैं सेल करूंगा 10-15 दिन के अंदर अंदर, इसके बाद फिर मैं डे ओल्ड चूजा डालूंगा, ठीक है, फिर वो मैं 1-2 माह के अंदर अंदर वो भी सेल करूंगा, फिर मैं डे ओल्ड सिर्फ मुर्गे का डालूंगा, ठीक है, मुर्गी नहीं डालूंगा क्योंकि वो अंडे गर्मियों में पट्टी तैयार होती है, फिर वो मुर्गा जो है ना वो तैयार होगा दिसंबर में या जनवरी के अराउंड। बताइएगा कि आपका ये जो शेड है इसकी लंबाई चौड़ाई बता दे और बता दें कि इसमें कितने चूजे जो है वो रखे जाते हैं। ये तकरीबन 25x40 है फुट, ठीक है, और इसमें तकरीबन हम डे ओल्ड तो 5000 के राउंड बोर्ड डाल लेते हैं, फिर 1 माह के बाद 1000 चूजा सेल कर देते हैं, अब ये 4000 है तो अब ये तकरीबन फिर फुल हो चुका है, ठीक है, इसको फिर अगर हम आगे लेके जाना चाहेंगे तो 1000 फिर सेल कर देंगे, ठीक है, जो जो ये आसा आसा मतलब इनकी ग्रोथ होती है तो चूजे कम करते जाते हैं, चूजे कम करते हैं, ये जगह को ज्यादा घेरते हैं ना जब जब बड़े होते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि अपनी लोकेशन बता दें और अपना फोन नंबर फिर से बता दें ताकि कोई बंदा आपसे राबता करना चाहे तो कर सके। लोकेशन हमारी विलेज कुठियाला है, तहसील सम्भड़ियाल, जिला सियालकोट, इधर गुजरात वाली साइड पे भी हमारा सेम, गुजरात और सियालकोट के हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, दरिया चनाब के ऊपर, ठीक है, इधर गुजरात भी हमें उतना ही है और सियालकोट भी उतना ही है, और हमारा नंबर 03480760738, इसे फिर से रिपीट कर दीजिएगा जरा उर्दू में, 03480760738।